हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 से लेकर 12 साल के बच्चों के जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किस तरह से उनकी डाइट को चेंज करके उनके बालों को दोबारा से काला किया जा सकता है। आपको डेली रात को 4 से 5 बादाम भिगोने होंगे और उनको सुबह छिलके बच्चों को खिलाना होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आंवला। बच्चों को आंवला कैंडी और आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद आता है, उनको जो भी पसंद आए आप उनके हिसाब से उनको दे सकते हैं। तीसरा, उनको आपको डेली 1 से 2 फल देने ही देने, फल कोई सा भी हो जो आपके बच्चे खाते हो आप उनको दे सकते हैं। चौथा, जो आप घर में सब्जी बनाते हैं उसमें ब्रोकली, मशरूम और सीजनल वेजिटेबल का प्रयोग करें। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बच्चे सब्जी तभी खाते हैं जब सब्जी टेस्टी हो। अगर आपको अच्छी सब्जी नहीं बनाने आती तो आप यूट्यूब पर जाके सीख भी सकते हैं। आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम उनको अंडे खिलाने पड़ेंगे और कोशिश ये भी करिए कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम उनको मछली खिलाइए। मार्केट में बिना कांटे वाली भी मछली आती है, आप उसके पकौड़े भी बना के खिला सकते हैं उनको। उनकी डाइट में ये सब चेंज करके देखिए, धीरे धीरे उनके सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।